लाल, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ब्लू, नीला, ब्लैक, काला, वायलेट, जामुनी, पिंक, गुलाबी, पर्पल, कासनी, ऑरेंज, नारंगी, व्हाइट, सफेद, कन्वर्सेशन, कुछ सामान्य वार्तालाप, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस जाने का पता बता सकते हैं? यहाँ से सीधा जाइए और वहाँ बैंक के सामने पोस्ट ऑफिस है। यहाँ से दूर है क्या? ज्यादा दूर नहीं, बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैं यहाँ नया हूँ, क्या वहाँ कोई बस जाती है? नहीं, वहाँ कोई बस नहीं जाती, आप रिक्शा ले सकते हैं। रिक्शा वाला कितने पैसे लेगा? करीब 15 रुपए लेगा। रिक्शा आपको वहां कोने पर मिल जाएगा। जी धन्यवाद। ठीक है जी। नमस्ते, क्या ये रेलवे पूछताछ है? जी हाँ। क्या आप अवंतिका एक्सप्रेस के जाने का दिन बता सकते हैं? वह शनिवार को जाती है। यहाँ से कितने बजे निकलती है? यहाँ से 10:30 बजे रात को निकलती है। क्या यह रास्ते में नागपुर रुकती है? हाँ रुकती है। वहाँ कितने बजे पहुँचती है? वहाँ शाम को 4:20 पर पहुँचती है और 5 बजे निकलती है। और कुछ जानना है? जी नहीं, धन्यवाद। माफ कीजिए, क्या आप इस शहर में एक आरामदायक होटल बता सकते हैं? हाँ, श्री माया अच्छा होटल है। वहां पर कमरा कितने का होगा? करीब 400 रुपए का। नहीं, ये तो बहुत महंगा है, कोई दूसरा होटल बताओ। यहाँ से 2 किलोमीटर पर एक होटल है, नीलगिरी, वहां पर 150 और 200 रुपए रोज का कमरा है। क्या वह अच्छा होटल है? हाँ अच्छा होटल है। हाँ ये ठीक रहेगा। क्या वहाँ कमरा आसानी से मिल जाएगा? ये तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, हम वहाँ चलकर देखते हैं। क्या खाना तैयार है? हाँ तैयार है। क्या ये शाकाहारी भोजनालय है? हाँ यह शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। खाने में क्या है? मेनू दो। ये लीजिए। मैं मलाई कोफ्ता और नान लूंगा। मैं रायता, फुलके, पापड़ और सलाद लूंगा। ऑर्डर के बाद 20 मिनट का समय लगेगा, तब तक कुछ और लेंगे? सिर्फ ठंडा पानी। जी सर, अभी लाया। खाना कैसा है? खाना बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ आया करेंगे। मैं भी यही सोच रहा था। आप कुछ और लेंगे? नहीं, बिल ले आओ। अगली बार जरूर आएगा सर। मैं एक घर की तलाश कर रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ जरूर, यही तो मेरा काम है। आपको कितने बेडरूम का मकान चाहिए? एक बेडरूम का। कौन सा इलाका पसंद करेंगे? मुझे इसी इलाके में चाहिए, यहाँ से मेरा ऑफिस पास है। यहाँ 2-3 कॉलोनी अच्छी है, वहाँ मकान खाली है। आपकी दलाली कितनी होगी? मेरी दलाली 1 महीने का किराया होगा। मकान की क्या शर्तें होंगी? किराए के साथ बिजली का, पानी का बिल और महीने का व्यवस्था खर्च देना पड़ेगा। घर कब दिखाओगे? कल दोपहर में आइए। दोपहर में मेरा ऑफिस रहता है। तब आप रविवार के दोपहर को आइए, मैं घर दिखा दूंगा। ठीक है, मैं रविवार को दोपहर के 2 बजे आता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। वीक, सप्ताह, संडे, रविवार, मंडे, सोमवार, ट्यूसडे, मंगलवार, वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे, गुरुवार, फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार, फोर्टनाइट, पक्ष, मंथ, महीना, ईयर, साल, मैंगो, आम, बनाना, केला, एप्पल, सेब, पोमेग्रेनेट, अनार, पाइनएप्पल, अनानास, गुआवा, अमरूद, ग्रेप्स, अंगूर, पीच, आड़ू, फिग, अंजीर, शुगरकेन, ईख, जैकफ्रूट, कटहल, एप्रिकॉट, खुबानी, डेट, खजूर, मस्कमेलन, खरबूजा, मेलन, तरबूज, ऑरेंज, नारंगी, कोकोनट, नारियल, पपाया, पपीता, मौसम्बी, मौसम्बी, लीची, लीची, एक्सीडेंट, दुर्घटना, एक्यूरेट, ठीक, एडमिरेशन, प्रशंसा, एरोड्रोम, हवाई अड्डा, एज, उम्र, एयर, हवा, एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, एरिया, इलाका, बैड, बुरा, बाथ, नहाना, बिहेवियर, व्यवहार, बेल, घंटा, बिग, बड़ा, बर्थडे, जन्मदिन, बोट, नाव, ब्रिज, पुल, ब्रॉड, चौड़ा, सेंटर, बीच में, चीप, सस्ता, सिटी, शहर, क्लास, कक्षा, क्लियर, साफ, क्लेवर, बुद्धिमान, क्लोज, बंद, कोल्ड, ठंडा, कंफर्ट, आराम, कंप्लेन, शिकायत, कमिटी, समिति, कम्युनिटी, समाज, कंग्रेचुलेशन, बधाई, करेक्ट, सही, कॉस्टली, महंगा, कॉफ, खांसी, कंट्री, देश, कोर्ट, अदालत, डांस, नाच, डेट, तारीख, डे, दिन, डिफेक्टिव, खराब, डिफिकल्टी, कठिनाई, डायरेक्ट, सीधा, डर्टी, गंदा, ड्राई, सूखा, ईस्ट, पूर्व, इजी, सरल, एजुकेशन, शिक्षा, एम्प्टी, खाली, एंटर, प्रवेश, entertainment, मनोरंजन, inquiry, पूछताछ, exhibition, प्रदर्शनी, fair, किराया, form, खेत, fat, मोटा, fatigue, थकावट, favor, पक्ष, feast, दावत, fever, बुखार, fine, ठीक, final, आखिरी, flag, झंडा, fog, कोहरा, foolish, मूर्ख, foreigner, विदेश, forest, जंगल, free, मुफ्त, fresh, ताजा, fun, मजा, gift, उपहार, great, महान, good, अच्छा, health, स्वास्थ्य, heavy, भारी, help, मदद, high, ऊंचा, higher, किराया, hobby, शौक, holiday, छुट्टी, hot, गर्म, hunger, भूखा, hurt, चोट, information, सूचना, intelligent, बुद्धिमान, introduction, परिचय, joke, मजाक, journey, यात्रा, lane, गली, language, भाषा, large, बड़ा, last, आखिरी, leave, छुट्टी, less, कम, lie, झूठ, marriage, शादी, message, संदेश, memory, याद, मिस्टेक, गलती, माउंटेन, पहाड़, म्यूजिक, संगीत, न्यू, नया, न्यूज़, समाचार, नॉर्थ, उत्तर, ओल्ड, पुराना, ओपन, खोलना, ऑपोजिट, उल्टा, पेन, दर्द, प्लेस, जगह, पिटी, दया, प्लेजर, मजा, पूल, तालाब, प्रेज, प्रशंसा, प्रेयर, प्रार्थना, प्रेजेंट, उपहार, प्राइस, दाम, quarrel, झगड़ा, regret, दुख, religion, धर्म, rent, किराया, repair, मरम्मत, reply, जवाब, request, प्रार्थना, rest, आराम, rich, अमीर, ripe, पका, sharp, तेज, ship, जहाज, society, समाज, sorry, खेद, south, दक्षिण, speech, भाषण, tall, लंबा, temple, मंदिर, thanks, धन्यवाद, thief, चोर, thirst, प्यास, town, शहर, translation, अनुवाद, travel, यात्रा, trouble, मुसीबत, truth, सच, value, मूल्य, village, गांव, visitor, दर्शक, wash, धोना, week, सप्ताह, wealth, धन, weight, वजन, west, पश्चिम, wind, हवा, wheel, पहिया, world, संसार, worship, पूजा, year, साल, young, जवान, zoo, चिड़ियाघर। हेलो, नमस्ते, हाउस, घर, वाटर, पानी, यस, हाँ, नो, नहीं, less, कम, more, ज्यादा, some, थोड़ा, early, जल्दी, food, खाना, stop, रुको, value, दाम, shop, दुकान, market, बाजार, watch, घड़ी, lock, ताला, key, चाबी, table, मेज, चेयर, कुर्सी, मॉर्निंग, सुबह या सवेरे, आफ्टरनून, दोपहर, इवनिंग, शाम, नाइट, रात, डे, दिन, टुडे, आज, yesterday, कल, tomorrow, कल, day before yesterday, परसों, day after tomorrow, परसों, mother, माँ या मम्मी, father, पापा, God, भगवान, flower, फूल, prayer, पूजा, song, गाना, love, प्यार, sky, आकाश, sun, सूरज, earth, भूमि, moon, चांद, planets, ग्रह, sea, सागर, forest, जंगल, river, नदी, rain, वर्षा, sunshine, धूप, air, हवा, storm, आंधी, thunder, बिजली, summer, गर्मी, winter, ठंड, rainy, बारिश. How to address different people. In this lesson, we will teach you how to address yourself and how to address the other person with whom you are talking. You will also learn how to mention in your conversation a person other than the two of you, how to address a group including yourself and excluding yourself. व्यक्तियों के बारे में जानकारी. Addressing yourself. I. मैं. Addressing the other person in one-to-one communication, you. तुम या आप. Addressing a third person other than the two of you, he or she. वह. Addressing a group that includes the two of you, we. हम. Addressing a group excluding the two of you, they. वे. Let us now look at some examples. आइए कुछ उदाहरण देखें. I work in a bank. मैं बैंक में काम करता हूँ. You are clever. आप या तुम बुद्धिमान हो. He or she is standing. वह खड़ा या खड़ी है. We are going. हम जा रहे हैं. They play. वे खेलते हैं. Possessive words. अधिकार सूचक शब्द. These words denote the possession of the person or persons. We use possessive words to speak about something belonging to a person at a particular time. ये शब्द व्यक्ति का अधिकार बताते हैं. My, मेरा, yours, तुम्हारा या आपका, his or hers, उसका, ours, हमारा, theirs, उनका. To understand this, let us look at the following examples. इन्हें समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं. My name is Garima. मेरा नाम गरिमा है. This pen is yours. यह तुम्हारी कलम है. This is her house. यह उसका घर है. This is his bicycle. यह उसकी साइकिल है. Chennai is our city. चेन्नई हमारा शहर है. How to address while giving or taking something. लेते या देते समय कैसे उपयोग करते हैं. Give to. दीजिए. To me. मुझको या मुझे. To him or to her. उसको या उन्हें. To us. हमको या हमें. To them. उनको या उन्हें. Take from. लीजिए. From me. मुझसे. From him or her. उससे. From us. हमसे. From them. उनसे. To clarify this, let us look at some examples. इन्हें समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं. Give that pen to me. वो पेन मुझको दीजिए. Give this file to him. ये फाइल उन्हें दीजिए. Give this to her. ये उनको दीजिए. Give us tea. हमको चाय दीजिए. Give them coffee. उन्हें कॉफी दीजिए. Take the file from her. उनसे फाइल लीजिए. Take some medicine from me. मुझसे दवाई लीजिए. Take a book from him. उससे किताब लीजिए. Take advice from them. उनसे सलाह लीजिए. Take the bonus from us. हमसे बोनस लीजिए. One word sentences. एक शब्द वाक्य. In this lesson, we shall learn how to convey messages with the help of a single word. This is applicable when two persons are talking with one another. This communication is useful for either giving an order or for making a request. एक शब्द वाक्य. इस पाठ में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह सिर्फ एक शब्द से वाक्य बनाकर हम संवाद कर सकते हैं. जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब यह संभव है. यह आदेश देने या विनती करने में प्रयोग आता है. इसे करने के लिए मुख्य क्रिया में से ना हटाकर ईजिए या ईये या ओ लगाया जाता है. ईजिए या ईये सम्मानात्मक शब्द हैं. ओ साधारणतया उपयोग में आता है. To understand this, look at some examples. इस प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं. Take. लेना. लीजिए. लो. Give. देना. दीजिए. दो. Do. करना. कीजिए. करो. Speak. बोलना. बोलिए. बोलो. Send. भेजना. भेजिए. भेजो. See. देखना. देखिए. देखो. Now do some exercises. आइए कुछ अभ्यास करें. If we want to make big sentences using these words, you can add another set of words keeping the last word unchanged. अगर आप इसी तरह से बड़ा वाक्य बनाना चाहें, तो आगे और शब्द जोड़ते जाइए, पर मुख्य क्रिया का रूप वैसा ही रहेगा. Here. Keep. sit, drink, sleep, beat, add, go, show, make. The following illustrations will clarify this further. निम्न उदाहरण से इसे हम समझेंगे. Give me a cup of coffee. मुझे एक कप कॉफी दीजिए या मुझे एक कप कॉफी दो. You write a letter. आप एक पत्र लिखिए या आप एक पत्र लिखो. New words list. नए शब्दों की सूची. Beat. मारना. Add. जोड़ना. Bring. लाना. Ring. फोन करना. Arrange. ठीक करना. Ta lesson. Ta पाठ. Let us begin with the ta lesson. This is useful for our routine work or day-to-day activities. The pattern of sentences are as follows. I come. मैं आता हूँ. Here we use the verb ta from the list of the verbs mentioned earlier. Now let us learn how to use ta, the main verb, and hai, helping verb. आइए ta पाठ से शुरुआत करते हैं. ये हमारे दैनिक सामान्य काम जो रोजाना किए जाते हैं वह बताता है. आइए देखें वाक्य कैसे बनता है. मैं आता हूं. यहाँ हम ता क्रिया उपयोग में लाएंगे. आइए अब सीखते हैं कि ता मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया का कैसे उपयोग होता है. मैं, ता, ती, हूं, तुम, ते, हो. वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग ता, ती, हैं. हम, ते, हैं. वे, ते, हैं. Let us look at the following examples. निम्न उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है. I go. मैं जाता हूँ. I drink. मैं पीता हूँ. You go. तुम जाते हो. You drink. तुम पीते हो. He goes. वह जाता है. He drinks. वह पीता है. She goes. वह जाती है. She drinks. वह पीती है. We go. हम जाते हैं. We drink. हम पीते हैं. They go. वे जाते हैं. They drink. वे पीते हैं. A statement can be negated using not. नकारात्मक वाक्य में नहीं जोड़ा जाता है. उदाहरण के लिए. Let us see some examples. आइए कुछ उदाहरण देखते हैं. I do not go. मैं नहीं जाता हूँ. I do not drink. मैं नहीं पीता हूँ. You do not go. तुम नहीं जाते हो. You do not drink. तुम नहीं पीते हो. He does not go. वह नहीं जाता है. He does not drink. वह नहीं पीता है. She does not go. वह नहीं जाती है. She does not drink. वह नहीं पीती है. We do not go. हम नहीं जाते हैं. We do not drink. हम नहीं पीते हैं. They do not go. वे नहीं जाते हैं. They do not drink. वे नहीं पीते हैं. Question words. प्रश्न शब्द. Till now, we have learned how to make sentences. In this lesson, we will learn how to frame questions and also how to answer them. वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? अभी तक ये हमने पढ़ा है। अब पढ़ेंगे कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं एवं उत्तर कैसे दिए जाते हैं। For making a question, we use the following question words. प्रश्न बनाने के लिए हम कुछ विशेष शब्द प्रयोग में लाते हैं। What? क्या? When? कब? How? कैसे? Where? कहाँ? Why? क्यों? किस लिए? Whom? किसको? How much? कितना? Who? कौन? For answering a question, we use the following connecting words. एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम निम्न जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। So, इसलिए, because, क्योंकि, when, जब, at that time, तब, उसी समय, now, अब। Look at the following sample questions. प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। Does he write a letter? क्या वह पत्र लिखता है? Where is his brother? उसका भाई कहाँ है? What is your name? आपका नाम क्या है? When do you play? आप कब खेलते हो? How does he go home? वह घर कैसे जाता है? Who sells this book? ये किताब कौन बेचता है? The general guidelines for answering the above questions are: replace the question word with the answer word, keeping the remaining part of the sentence same. इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सामान्य नियम: प्रश्न शब्द को हटाइए, उसके स्थान पर उत्तर रखिए, बाकी वाक्य वैसा ही रहेगा। These guidelines will be more clear when we look at the answers to the above questions. इस बात को अच्छे से समझने के लिए उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। हाँ, वह पत्र लिखता है। उसका भाई भोपाल में है। मेरा नाम मिनी है। मैं सुबह खेलता हूँ। वह घर बस से जाता है। ये किताब मोहन बेचता है। New words in this lesson. पाठ के नए शब्दों की सूची। Letter. पत्र। Brother. भाई। Morning. सुबह। Sell. बेचना। Red. लाल। Color. रंग. Flower. फूल. Ga lesson. Future. Ga part. भविष्य. How do we change the present tense sentences into future tense sentences? कैसे हम वर्तमान वाक्य को भविष्य में बदलेंगे? ये हम सीखेंगे। Many times it is necessary to express actions to be done in the future. Hence, change of tense is required to do so. In Hindi, this change of tense is done by applying the suffix ga and its derivatives to the verb in the place of ta. कई बार कुछ समय बाद क्या होगा ये बताने की जरूरत होती है। उसी समय हमें वाक्य को भविष्य में बदलने की जरूरत होती है। हिंदी में आखिरी ध्वनि ता को हटाकर गा लगा देते हैं और वाक्य बन जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, He goes to school. वह विद्यालय जाता है। He will go to school. वह विद्यालय जाएगा। Details of ga and its derivatives to be used as per noun, pronoun are as follows. Ga का रूप कैसा होता है? संज्ञा और सर्वनाम के साथ ये देखते हैं। मैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ऊंगा ऊंगी, तुम होगे, वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, एगा एगी, हम एंगे, वे एंगे। In negative sentences, we use nahi before verbs. For example, नकारात्मक वाक्यों में नहीं क्रिया के पहले आएगा। उदाहरण, मैं नहीं जाऊंगा। मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नहीं जाऊंगा जाऊंगी, तुम नहीं जाओगे, वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नहीं जाएगा या जाएगी, हम नहीं जाएंगे, वे नहीं जाएंगे। Let us see some examples how to change present into future. आइए कुछ उदाहरण देखते हैं वर्तमान से भविष्य में जाने के। I go, मैं जाता हूँ। I shall go, मैं जाऊंगा। I drink, मैं पीता हूँ। I shall drink, मैं पीऊंगा। You go, तुम जाते हो। You will go, तुम जाओगे। You drink, तुम पीते हो। You will drink, तुम पियोगे। He goes, वह जाता है। He will go, वह जाएगा। He drinks, वह पीते हैं। He will drink, वह पिएगा। She goes, वह जाती है। She will go, वह जाएगी। She drinks, वह पीती है। She will drink, वह पिएगी। We go, हम जाते हैं। We shall go, हम जाएंगे। We drink, हम पीते हैं। We shall drink, हम पिएंगे। They go, वे जाते हैं। They will go, वे जाएंगे। They drink, वे पीते हैं। They will drink, वे पिएंगे। Connecting words, जोड़ने वाले शब्द। In this unit, we will learn about connecting words. They connect two units in a sentence and specify the relationship between them. इस प्रकार के वाक्यों में हम कम शब्दों का लेकिन महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्द दो समूह या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। They are as follows, वे इस प्रकार हैं। For, लिए। From, by, with, से। In, में, अंदर, पर। Outside, बाहर। Above and over, ऊपर। Under and below, नीचे। Beside, पास में। Between, बीच में। Behind, पीछे। In front, आगे, सामने। And, और। और, या। S, का, के, की। Now we shall learn how to use these words. अब हम इन शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे. For is used to connect activity with the noun or pronoun. लिए संज्ञा सर्वनाम को किसी कार्य से जोड़ता है. I bought some flowers for you. मैंने आपके लिए कुछ फूल खरीदे. From, by, with is used to talk about instruments used to perform actions. I write with a pen. मैं पेन से लिखता हूँ. Sunil goes to office by car. सुनील कार से ऑफिस जाता है. In, at connects the noun or pronoun with the place. मैं ये संज्ञा और सर्वनाम को जगह से जोड़ता है. Father is at home. पापा घर में पर हैं. Books are in the almirah. अलमारी के अंदर किताबें हैं. A film is running on TV. टीवी पर फिल्म चल रही है. Outside. This connects noun or pronoun with place. बाहर यह संज्ञा सर्वनाम की जगह बताता है. We are going outside. हम बाहर जा रहे हैं. It is raining outside. बाहर बारिश हो रही है. Above and over, under and below. They are used to talk about relative positions of objects. ऊपर या नीचे ये वस्तु की संबंध स्थिति बताते हैं. Above or over can be used to mean higher than. ऊपर ऊंची जगह बताता है. The books are over the table. टेबल के ऊपर किताबें हैं. Ram's wallet is over the TV. राम का पर्स टीवी के ऊपर है. Under or below can be used to mean lower than. नीचे, नीची जगह बताता है. The books are under or below the table. टेबल के नीचे किताब है. Ram's wallet is below the TV. राम का पर्स टीवी के नीचे है. Beside. There is a river beside the temple. वह मंदिर नदी के पास है. In between. बीच में. Between is used to relate something or someone, usually with two things or persons. बीच में का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच की स्थिति बताता है. Amina was sitting between a man and his brother. Amina अमन और उसके भाइयों के बीच में बैठी है. Behind. Here we show the back position. पीछे. यहाँ पीछे की स्थिति बताते हैं. Piyush parks his bike behind the door. पीयूष उसकी बाइक दरवाजे के पीछे रखता है. In front. Here we show the front position. सामने या आगे. यहाँ आगे की स्थिति बताता है. There is a garden in front of my house. मेरे घर के सामने आगे एक बगीचा है. And here we show something together. और यहाँ हम दो चीजों को साथ में बताते हैं. Ram and Sita. राम और सीता. Tea and samosa. चाय और समोसा. Or. Here we show choice. या यहाँ हम विकल्प बताते हैं. Tea or coffee. चाय या कॉफी. का की के. का की के. These words are used to show the relationship between two persons or things. ये शब्द दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध बताता है। You will understand this better with the following examples. आप निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। लक्ष्मण is Ram's brother. राम का भाई लक्ष्मण है। सीता has one brother. सीता का एक भाई है। राम has four brothers. राम के चार भाई हैं। सीता के एक भाई और एक बहन है। सीता is Ram's wife. राम की पत्नी सीता है। सीता has one sister and one brother. सीता की एक बहन और एक भाई है। We use ka, ke, ki to refer to a second person. हम का, के, की का प्रयोग हमेशा दूसरे व्यक्ति को देखकर करते हैं। For a single male person, we use का। एक पुरुष के लिए का उपयोग में लाते हैं। For more than one male person, we use के। एक से ज्यादा पुरुष के लिए के का उपयोग होता है। For all females, we use की। सभी महिलाओं के लिए की का प्रयोग होता है। Have a look at some more examples. आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। Mother's pen. मम्मी का पेन। Sheila's house. शीला का घर। College of Commerce. कॉमर्स का कॉलेज। Rose flower. गुलाब के फूल। Grandmother's book. नानी की किताब। आ, ई. Now we shall see how to talk about events or actions that are past. For making a simple past, we use past verb. Its last sounds are always a for male and e for female. अब हम देखेंगे कि किस तरह भूतकाल की घटना या कार्य के बारे में बात करेंगे। इसके लिए भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करेंगे, जिसके आखिर में आ, ई की ध्वनि आती है। We have already learnt how to change a verb in past tense in the previous lessons. हम पहले ही क्रिया के पाठ में देख चुके हैं कि क्रिया को कैसे बदला जाता है। For example, उदाहरण के लिए He goes to school. वर्तमान काल, वह विद्यालय जाता है। He went to school. भूतकाल, वह विद्यालय गया। Now we shall study how to use the verb according to the noun or pronoun. अब हम देखेंगे कि संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे। एक उदाहरण देखिए। भूतकाल की क्रिया आया। आई, मैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, आया या आई। यू, तुम, आए। ही, शी, वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, आया या आई। We, हम, आए। They, वे, आए। Let us see some examples of how to change present into past. आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कि वर्तमान काल भविष्य में कैसे बदलता है। I go. मैं जाता हूँ। I went. मैं गया। I drink. मैं पीता हूँ। I drank. मैंने पिया। You go. तुम जाते हो। You went. तुम गए। You drink. तुम पीते हो। You drank. तुमने पिया। He goes. वह जाता है। He went. वह गया। He drinks. वह पीता है। He drank. उसने पिया। She goes. वह जाती है। She went. वह गई। She drinks. वह पीती है। She drank. उसने पिया। We go. हम जाते हैं। We went. हम गए। We drink. हम पीते हैं। We drank. हमने पिया। They go. वे जाते हैं। They went. वे गए। They drink. वे पीते हैं। They drank. उन्होंने पिया। When we wish to say that a particular work is done by a particular person, that time we connect ne with that person. जब कोई विशेष काम विशेष व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाता है, तब हम व्यक्ति के साथ ने का प्रयोग करते हैं। सिर्फ ने वाक्य में ही हम दूसरे व्यक्ति के लिंग के अनुसार क्रिया बदलते हैं। ऐसे समय हमें लिंग के प्रति सचेत रहना चाहिए। मैंने पिया। In this example, the action is completed by me, so we use ne, and the verb and the helping verb change accordingly. मैंने पिया। इस उदाहरण में पीने का कार्य मेरे द्वारा किया गया है और पानी जो तरल है वह पुल्लिंग माना जाता है, अतः क्रिया पानी के अनुसार बदली जाएगी। Now we shall see how to add ne in the noun or pronoun as per the gender. अब हम देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम में ने कैसे जुड़ता है। मैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, मैंने, तुम, तुमने, वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, उसने, हम, हमने, वे, उन्होंने। In negative sentences, we use nahi before verbs. नकारात्मक वाक्यों में नहीं क्रिया से पहले आएगा। For example, मैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, नहीं, आया या आई, तुम, नहीं, आए, वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, नहीं, आया या आई, हम, नहीं, आए, वे, नहीं, आए। You would like to know some more examples. उदाहरण के लिए, He went to school. वह विद्यालय गया। Smita kept the book on the table. स्मिता ने किताब मेज पर रखी। I paid him 100 rupees. मैंने उसे 100 रुपए दिए। Kanchan read a story. कंचन ने एक कहानी पढ़ी। प्रसून laughed at you. प्रसून तुम पर हंसा। लेखा asked me some questions. लेखा ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। I thought he would not come. मैंने सोचा वह नहीं आएगा। We did not win the match. हमने मैच नहीं जीता। Pankhuri did not live in the hostel. Pankhuri hostel में नहीं रही। New words in this lesson. इस पाठ में आए नए शब्द। Laughed. हंसा। मुख्य क्रिया हंसना। Thought. सोचा। मुख्य क्रिया सोचना। win, जीतना, live, रहना, here, यहाँ, bought, खरीदा, मुख्य क्रिया, खरीदना, felt, महसूस किया, मुख्य क्रिया, महसूस करना, sorry, दुख, खेद, search, खोज, ढूंढना, everywhere, हर जगह, reached, पहुंचा, मुख्य क्रिया पहुंचना, last night, कल रात, put on, पहनना, tried, कोशिश किया, मुख्य क्रिया कोशिश करना, best, बहुत अच्छा, statement sentences, विवरणात्मक वाक्य, many times we use simple sentences to state about any person or ourselves. These are called statement sentences. कई बार हम अपने या किसी और के बारे में विवरण देते हैं. ये विवरणात्मक वाक्य कहलाते हैं. To make these type of sentences, we need only the helping verb. इस तरह के वाक्य बनाने के लिए सिर्फ सहायक क्रिया है की जरूरत होती है. Look at some examples. कुछ उदाहरण देखें. My name is Anita. मेरा नाम अनीता है. That is Mohan's house. वह मोहन का घर है. There is a big function in my school. मेरे विद्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम है. My hometown is Indore. मेरा पितृगृह इंदौर है. My daughter's friend is very beautiful. मेरी बेटी की सहेली बहुत खूबसूरत है. Your work is nice. आपका काम बहुत अच्छा है. He has 4 brothers. उसके 4 भाई हैं. I have no time. मेरे पास समय नहीं है. When we want to give a statement about the future or the past, we apply the same procedure, except that the appropriate change needs to be made in the helping verbs too. जब हम इन वाक्यों को भूतकाल या भविष्यकाल में प्रयोग करना चाहते हैं, तब वाक्य रचना वही रहेगी, सिर्फ सहायक क्रिया भूतकाल और भविष्यकाल की होगी. भविष्य को सहायक क्रिया होगा या होगी. भूतकाल को सहायक क्रिया था या थी. Look at some examples. कुछ उदाहरण देखें. My job will be in Delhi. मेरी नौकरी दिल्ली में होगी. There was a beautiful flower vase in the gift shop. Gift shop पर एक खूबसूरत फूलदान था. Your program was too good. आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा था. Ashoka was a king. अशोक एक राजा था. Sometimes we need to express compulsive activities like I have to study. You have to attend the meeting. He had to go to Bombay. They will have to play. कई बार हम जरूरी कार्य बताते हैं, जैसे इन वाक्यों में हमने प्रयोग किया. हिंदी में हम मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे. सहायक क्रिया काल के अनुरूप होगी. जरा देखें. है, वर्तमान, था, भूतकाल, होगा, भविष्यकाल. आइए कुछ उदाहरण बनाएं. मुझे पढ़ना है. तुम्हें मीटिंग में जाना है. उसे मुंबई जाना था। उन्हें खेलना होगा। न्यू वर्ड्स लिस्ट, नवीन शब्द सूची। फंक्शन, कार्यक्रम। फ्लावरवेज, फूलदान। बिग, बड़ा। रेस्पॉन्स, जवाब। इंटेलिजेंट, विदेशी महिला के लिए। विद्वान, पुरुष के लिए। ड्रीम, सपना। होमटाउन, पितृगृह। इंटरव्यू, साक्षात्कार। टाइम, समय। फिनिश, समाप्त। रहा, रही। रहा, रही। Till now, we have learnt how to communicate by using tha, ga and a as main verbs. In this lesson, we shall learn how to express any work in process. अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ता, गा और आ क्रिया के रूप। इस पाठ में पढ़ेंगे कि कार्य चल रहा है। To express this, we have to replace the suffix of the main verb with raha or rahi. इसके लिए हम मुख्य क्रिया से अंतिम शब्द को हटाकर रहा, रही जोड़ते हैं। For example, उदाहरण के लिए, I am eating mango. मैं आम खा रहा हूँ। He is going to school. वह विद्यालय जा रहा है। You are playing a game. तुम एक खेल खेल रहे हो। We are watching a film. हम फिल्म देख रहे हैं। Now we learn how we use raha or rahi with the noun or pronoun. अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार रहा, रही का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है। मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, रहा रही हूं। तुम रहे हो। वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग, रहा रही है हो। हम रहे हैं। वे रहे हैं। A statement can be negated using not, that is nahi, before verbs. For example, नकारात्मक वाक्यों में नहीं मुख्य क्रिया के ठीक पहले जुड़ेगा। For example, उदाहरण के लिए, I am not eating mango. मैं आम नहीं खा रहा हूँ। He is not going to school. वह विद्यालय नहीं जा रही है। Are you not playing? क्या तुम नहीं खेल रहे हो? We are not watching the film. हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। We have learned how to express the work in progress in the present tense. Similarly, we can also explain the same in future and past tenses by using ga and tha as helping verbs. हमने सीखा कि वर्तमान में कार्य चल रहा है का कैसे प्रयोग करते हैं। उसी तरह हम कार्य चल रहा है का प्रयोग भूतकाल तथा भविष्यकाल के लिए सहायक क्रिया गा और था का उपयोग करके करेंगे। मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, रहा रही, होऊंगा होऊंगी, था थी, तुम रहे होगे थी, वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग, रहा रही होगा, होगी, था, थी। हम, रहे, होंगे, थी। वे, रहे, होंगे, थी। The following examples will clarify more. निम्न उदाहरणों से और स्पष्ट हो जाएगा। An old man is selling mangoes. बूढ़ा आदमी आम बेच रहा है। The children are swimming. बच्चे तैर रहे हैं। Meera is watching TV. मीरा टीवी देख रही है। मोहन is not running fast. मोहन तेज नहीं दौड़ रहा है। Are you reading a book? क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? Ram will be going to Delhi. राम दिल्ली जा रहा होगा। Minnie was singing a song. मिनी एक गाना गा रही थी। They were sleeping. वे सो रहे थे। He will be completing the job tomorrow. वह कल काम पूरा कर रहा होगा। She will be cooking food. वह खाना बना रही होगी। New words list. नवीन शब्द सूची। Swim. तैरना। Work. काम। Haste. जल्दी। Bath. नहाना। Chuka, chuki. Chuka, chuki. Whenever we wish to convey that a particular activity has been completed within a particular time, then we use chuka or chuki in our communication. For making such sentences, we replace na from the main verb with chuka or chuki and use the appropriate helping verb suitable to the tense. समय विशेष में काम पूरी तौर पर पूर्ण हो चुका है, ये बताने के लिए चुका चुकी शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए मुख्य क्रिया से ना हटाकर चुका या चुकी जोड़ दिया जाता है। साथ में काल के आधार पर सहायक क्रिया का उपयोग होता है। Let us look at some examples. आइए उदाहरण देखें। मैं खाना खा चुका हूं। व्यक्ति के आधार पर चुका या चुकी का प्रयोग देखें। I, मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग चुका चुकी हूं। You, तुम चुके हो। He, she, वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग चुका चुकी है। We, हम चुके हैं। They, वे चुके हैं। Have a look at the examples. आइए उदाहरण देखें। I go, मैं जाता हूँ। I have gone, मैं जा चुका हूँ। I drink, मैं पीता हूँ। I have drunk, मैं पी चुका हूँ। You go, तुम जाते हो। You have gone, तुम जा चुके हो। You drink, तुम पीते हो। You have drunk, तुम पी चुके हो। He goes, वह जाता है। He has gone. वह जा चुका है। He drinks. वह पीता है। He has drunk. वह पी चुका है। She goes. वह जाती है। She has gone. वह जा चुकी है। She drinks. वह पीती है। She has drunk. वह पी चुकी है। We go. हम जाते हैं। We have gone. हम जा चुके हैं। We drink. हम पीते हैं। We have drunk. हम पी चुके हैं। They go. वे जाते हैं। They have gone. वे जा चुके हैं। They drink. वे पीते हैं। They have drunk. वे पी चुके हैं। We make the same changes in the past and the future tenses. It also means that the action was completed in the past or will be completed in future. These types of sentences in past or future tense are accompanied by phrases indicating time. Let us see an example. भूतकाल में पूर्ण हो चुका, भविष्य में पूर्ण हो जाएगा। इस तरह के वाक्य भविष्य या भूतकाल में पूर्ण होने के लिए साथ में समय से संबंधित वाक्य होते हैं। उदाहरण देखें। When I reached the station, the train had gone. जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। He will have reached Chennai at 8 o'clock. वह चेन्नई 8 बजे तक पहुंच चुका होगा। Now, learn to use chuka or chuki in past and the future. आइए अब देखते हैं कि चुका चुकी का प्रयोग भूतकाल और भविष्यकाल में कैसे होता है। मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग चुका चुकी होऊंगा होऊंगी था थी तुम चुके होगे थे वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग चुका चुकी होगा होगी था थी हम चुके होंगे थे वे चुके होंगे थे। कई बार भूतकाल में लिया था, दिया था या किया था का प्रयोग चुका था की जगह लेते हैं। Let us see some examples. कुछ उदाहरण देखें। When I reached, Lata had sung. जब मैं पहुंचा, लता गा चुकी थी। When you come, I shall have reached home. जब तुम आओगे, मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। How to address different people. व्यक्तियों के बारे में जानकारी। One word sentences. एक शब्द वाक्य। ता lesson. ता पाठ। Question words. प्रश्न शब्द। गा lesson. Future. गा पाठ भविष्य। Connecting words. जोड़ने वाले शब्द। आ ई आ ई Statement sentences. विवरणात्मक वाक्य। रहा रही। रहा रही। चुका चुकी। चुका चुकी। कॉन्वर्सेशन कुछ सामान्य वार्तालाप। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। जनरल वर्ड्स सामान्य शब्द। डेज दिन। वेजिटेबल्स सब्जी। फ्रूट्स फल। लेसन्स पाठ। कलर्स रंग। नंबर्स गिनती। बॉडी पार्ट्स शरीर के अंग। जनरल डिक्शनरी सामान्य शब्दकोश। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनपचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौपन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसाठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ, चौसठ, पैंसठ, छियासठ, सड़सठ, अड़सठ, उनसत्तर, सत्तर, इकहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर, चौहत्तर, पचहत्तर, छिहत्तर, सतहत्तर, अठहत्तर, उनासी, अस्सी, इक्यासी, बयासी, तिरासी, चौरासी, पचासी, छियासी, सत्यासी, अट्ठासी, उन्नब्बे, नब्बे, इक्यानवे, बयानवे, तिरानवे, चौरानवे, पचानवे, छियानवे, सत्तानवे, अट्ठानवे, निन्यानवे, सौ। आई आँख, थंब अंगूठा, लिप होंठ, वेस्ट कमर, शोल्डर कंधा, रिस्ट कलाई, हील एड़ी, नेक गर्दन, ईयर कान, थ्रोट गला, चीक्स गाल, लैप गोद, नी घुटना, स्किन चमड़ी, फेस चेहरा, टंग जीभ, लेग पैर, टूथ दांत, ब्रेन दिमाग, नोज नाक, माउथ मुंह, blood खून। Key to pronunciation. Here is a list of pronunciation by which you learn how to pronounce in Hindi. उच्चारण। यहाँ पर एक उच्चारण की सूची दी गई है, इससे आप जानेंगे कि हिंदी में कैसे उच्चारण करते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, Ksha, tra, gya, za. आधा न व आधा म नाक से उच्चारण। जिंजर, अदरक, पोटैटो, आलू, क्यूकम्बर, ककड़ी, खीरा, पंपकिन, कद्दू, बिटर गोर्ड, करेला, लेमन, नींबू, शुगर बीट, चुकंदर, कोरिएंडर, धनिया, बीन्स, सेम, कैबेज, पत्ता गोभी, cauliflower, phul gobi, mint, pudina, spinach, palak, onion, प्याज, brinjal, बैंगन, corn ear, भुट्टा, lady's finger, bhindi, pea, matar, radish, mooli, chili, mirchi,